मेरा नाम कमाल खान है, मैं NDTV में पत्रकार हूँ। मुझे इस बात से बहुत सदमा पहुँचा है जब मैंने ये देखा कि 2010 में की हुई मेरी एक रिपोर्ट को इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में मीज़ल्स के लिए एक अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसको फेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2010 में 8 साल पहले कुछ बच्चों की मौत एक वैक्सीनेशन के बाद मोहनलालगंज इलाके में लखनऊ के हो गई थी। उस वाकये का इस वक्त चल रहे मीज़ल्स के जो अभियान है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि उस अभियान को फेल करने के लिए हमारी उस रिपोर्ट को अलग अलग सोशल साइट्स पे वायरल कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि उस हादसे का इस अभियान से कोई ताल्लुक नहीं है। पूरी दुनिया में मीज़ल्स के लिए वैक्सीनेशन होता है। 2010 से अब तक करोड़ों बच्चों को मीज़ल्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। हिंदुस्तान की सरकार या यूनिसेफ या दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं जो इसके लिए अभियान चला रही हैं, जाहिर है कि वो बच्चों की दुश्मन नहीं हैं। ये अभियान इसलिए चल रहा है ताकि बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। तो हमें लगता है कि ये सुरक्षित है। हर माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर कराएँ। तो मैं सिर्फ इतना साफ करना चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट ऐसे दिखाई जा रही है जैसे आज हम कोई मीज़ल्स के अभियान का विरोध कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए है। मीज़ल्स से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। मैं ख़ुद भी आपसे यही अपील करना चाहता हूँ।